ऋषियों के पूछने पर किस कामना की पूर्ति के लिए कितने पार्थिव लिंगों की पूजा करनी चाहिए, इस विषय का कृपया वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, महर्षियों, पार्थिव लिंगों की पूजा कोटि कोटि यज्ञों का फल देने वाली होती है। कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजन जैसा श्रेष्ठ दिखाई देता है, वैसा कोई दूसरा साधन नहीं है। यह समस्त शास्त्रों का में निहित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला होता है। लिंग तीन प्रकार के कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो चार अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर हो और वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्रज्ञ महर्षियों ने उत्तम कहा है। उससे आधा मध्यम और उससे आधा अधम माना गया है। इस तरह तीन प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं, जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोम संकर कोई भी क्यों ना हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करे। ब्राह्मणों, महर्षियों, अधिक कहने का क्या लाभ। शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का तथा अन्य लोगों का भी अधिकार होता है। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग की पूजा करना श्रेष्ठ होता है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। वैदिक द्विजों को वैदिक मार्ग से ही पूजन करना चाहिए और अन्य मार्ग से नहीं। यह भगवान शिव का कथन है। दधीची और गौतम आदि के शाप से जिनका चित्त दग हो गया है, उन द्विजों को वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होती है। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृति में कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना करके दूसरे कर्म को करने लगता है, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता है। विधि पूर्वक भगवान शंकर का नैवेद्यांत पूजन करके उनकी त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों का भी वही पूजन करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई हैं। इन मूर्तियों के साथ साथ सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति, इन नामों की भी अर्चना की गई है। तदनंतर चंदन, अक्षत और बिल्व पत्र लेकर वहां ईशान आदि क्रम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंदन, कदर्पी, सोम तथा शुक्र, ये 10 शिव के परिवार हैं, जो क्रमशः ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय हैं। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कीर्ति मुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करें। इसके बाद पज्जाक्षर मंत्र का जप करके शतरुद्रीय स्त्रोत का, नाना प्रकार की स्तुति का तथा शिव पंचांग का पाठ करें। तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करें। इस प्रकार मैंने शिव पूजन के संपूर्ण विधि का आदर पूर्वक वर्णन किया। रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। इसी प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना उचित है। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो, उससे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर नहीं बैठना चाहिए या खड़े होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। ईष्ट देव का सामना रोकना ठीक नहीं। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी ना बैठें, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वामांग है, जिसमें शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान है। पूजक को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठ भाग है। पीछे की ओर से पूजा करना उचित नहीं है। अतः अवशिष्ट दक्षिण दिशा ही ग्रहा है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठें और पूजा करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह भस्म का त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला लेकर तथा बिल्व पत्र का संग्रह करके ही भगवान शंकर की पूजा करें, इसके बिना नहीं। मुनिवरों, शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म ना मिले तो मिट्टी से भी ललाट में त्रिपुंड अवश्य कर लेना चाहिए। ऋषि बोले, मुने,
हमने पहले से ही यह बात सुन रखी है कि भगवान शिव का नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस विषय में शास्त्र का क्या निर्णय है यह बताइए, साथ ही विल्व का महत्व भी प्रकट कीजिए। सूत जी बोले, मुनियों, आप शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं, अतः आप सबको शत शत धन्यवाद है। मैं प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताता हूँ, आप सावधान होकर सुने। जो भगवान शिव का भक्त है, बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा दृढ़ निश्चय से युक्त है, वह शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करे। भगवान शिव का नैवेद्य आग्रहा है, इसी भावना को मन से निकाल दे। शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से ही सारे पाप दूर भाग जाते हैं। उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। आए हुए शिव नैवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें और प्रयत्न करके शिव स्मरण पूर्वक उसका भक्षण करें। आए हुए शिव नैवेद्य को जो यह कहकर कि मैं इसे दूसरे समय ग्रहण करूंगा लेने में विलंब कर देता है, वह मनुष्य निश्चय ही पाप से बंध जाता है। जिसने शिव की दीक्षा ली हो, उस शिव भक्त के लिए यह नैवेद्य अवश्य भक्षणीय हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का नैवेद्य शुभ एवं महाप्रसाद है, अतः वह उसका अवश्य भक्षण करे। परंतु जो अन्य देवताओं की दीक्षा से युक्त है और शिव भक्ति में भी मन लगाए हुए हैं, उनके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में क्या निर्णय है, आप लोग इसे प्रेम पूर्वक सुने। ब्राह्मणों, जहाँ से सालग्राम शिला की उत्पत्ति हुई है, वहाँ के उत्पन्न लिंग में रसलिंग, पारतलिंग में पाषाण, रजत तथा सुवर्ण से निर्मित लिंग में देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में केसर निर्मित लिंग में स्फटिक लिंग में रत्न निर्मित लिंग में तथा समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य का भक्षण चंद्रायण व्रत के समान पुण्यजनक है। ब्रह्म हत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निमालय का भक्षण करे, उसे धारण करे, तो उसका सारा पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। पर जहाँ चंड का अधिकार है, वहाँ जो शिव निमालय हो, उसे साधारण मनुष्य को नहीं खाना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार नहीं है, वहाँ के शिव निमालय का सभी को भक्तिपूर्वक भोजन करना चाहिए। बाणलिंग, नर्वदेश्वर, लोह निर्मित स्वर्ण आदि धातुमय लिंग, सिद्ध लिंग, जिन लिंगों की उपासना से किसी ने सिद्धि प्राप्त की है अथवा जो सिद्धों द्वारा स्थापित हैं, वे लिंग, स्वयंभू लिंग, इन सब लिंगों में तथा शिव की प्रतिमाओं में चंड का अधिकार नहीं है। जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार के पाप यह शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। जो शिव नैवेद्य पत्र, पुष्प, फल और जल अग्रहा है, वह सब भी शालिग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र ग्रहण के योग्य हो जाता है। मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है, वह अग्रहा है। जो वस्तुलिंग स्पर्श से रहित है, जिस वस्तु को अलग रखकर शिव जी को निवेदित किया जाता है, लिंग के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता, उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। मुनिवरों, इस प्रकार नैवेद्य के विषय में शास्त्र का निर्णय बताया गया है। अब तुम लोग सावधान होकर आदरपूर्वक विल्व का महत्व सुनो। यह विल्व वृक्ष महादेव का भी रूप होता है, देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है। फिर जिस किसी तरह से इसकी महिमा कैसे जानी जा सकती है। 3 लोकों में जितने पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध हैं, वे संपूर्ण तीर्थ विल्व के मूल भाग में निवास करते हैं। जो पुण्यात्मा मनुष्य विल्व के मूल रूप में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है, वह निश्चित ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। जो बिल्व की जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है, वह संपूर्ण तीर्थ में स्नान का फल पा लेता है और वही इस भूतल पर पावन माना जाता है। इस बिल्व की जड़ के
परम उत्तम थाले को जल से भरा हुआ देखकर महादेव जी पूर्णतः संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य गंध पुष्प आदि से विल्व के मूल भाग का पूजन करता है वह शिवलोक को पाता है और इस लोक में भी उसकी सुख संतति बढ़ती है। जो विल्व की जड़ के समीप आदरपूर्वक दीपावली जलाकर रखता है वह तत्व ज्ञान से संपन्न हो भगवान महेश्वर से मिल जाता है। जो बिल्व की शाखा थामकर हाथ से उसके नए नए पल्लव उतारता है और उनसे बिल्व की पूजा करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बिल्व की जड़ के समीप भगवान शिव में अनुराग रखने वाले एक भक्त को भी भक्ति पूर्वक भोजन कराता है उसे कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। जो बिल्व की जड़ के पास शिव भक्त को खीर और घृत से युक्त अन्न देता है वह कभी दरिद्र नहीं होता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने सांगोपांग शिवलिंग का पूजन का वर्णन किया है। यह प्रवृत्ति मार्गी तथा निवृत्ति मार्गी पूजकों के भेद से दो प्रकार का होता है। प्रवृत्ति मार्गी लोगों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है। प्रवृत्त पुरुष सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करें और अभिषेक के अंत में अगहनी के चावल से बना हुआ नैवेद्य निवेदन करें। पूजा के अंत में शिवलिंग को शुद्ध संपुट में विराजमान करके घर के भीतर कहीं अलग रख दे। निवृत्ति मार्गी उपासकों के लिए हाथ पर ही शिव पूजन का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित कर देना चाहिए। निवृत्त पुरुष के लिए सूक्ष्म शिवलिंग ही श्रेष्ठ बताया गया है। वे विभूति से पूजन करें और विभूति को ही अपना नैवेद्य के रूप में निवेदित करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें।